किचन में भी टीवी, बेडरूम में भी टीवी। बड़ी आशा यार तेरी। और क्या क्या है तेरे पास भाई? इतने सारे साबुन, कभी नाम भी नहीं सुना इनका। मुझे तो सिर्फ एक साबुन का नाम मालूम है, हमाम। याद है जब तक पूरा साबुन पूरी तरह गल नहीं जाता था, तुम्हारी माँ नई टिकिया नहीं निकालती थी, याद है ना? पर यहां तो लग रहा कि हर रोज, बल्कि हर घंटे के लिए एक अलग साबुन है। अर्जुन, तुम्हारे घर आकर समझ में आया कि चालों में जरूरत की चीजें इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इन घरों में जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। डैड प्लीज, कम से कम आज तो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो खाना खाते हैं। जोया, हम बाप बेटे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, ये बचपन से ही ऐसा है। इसकी माँ जब रोटियां बनाती थी ना, तो उसकी चूड़ियों की खनक से मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि क्या बताऊं। लेकिन ये सिक्कों की खनक से खुश होता था। मैं कहता था आदमी को अपनी चादर देखकर पांव पसारना चाहिए, लेकिन ये कहता था पांव पसारने के बाद चादर के साइज के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहता था आदमी को अपनी इच्छाएं काबू में रखनी चाहिए क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, लेकिन ये कहता था जो इच्छाओं को मारता है वो जीते जी मर जाता है। और आज देखो क्या नहीं है मेरे बेटे के पास। डैड, तारीफ कर रहे हो या ताना दे रहे हो? यार, मेरी हर बात ताना क्यों लगती है तुम्हें? लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हो तुम जिसमें इतने कम समय में इतने पैसे कमा लिए तुमने? स्पोर्ट्स का बिजनेस। स्पोर्ट्स का? क्रिकेट का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स का ग्लव्स, बैट्स वगैरह। अच्छा बिजनेस। मैंने तो यही सुना और जाना था कि कम समय में ईमानदारी से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन देखो जमाना सचमुच बदल गया है। अच्छा है, वेरी गुड। डैड, कुछ खा नहीं रहे? खा चुका यार, अब 5-स्टार होटल का खाना मुझ जैसा आम आदमी कितना खा पाएगा यार। हाँ, अगर एक अच्छा सा सादा पान मिल जाए कलकत्ता कच्ची सुपारी के साथ, मजा आ जाए। हाँ, लेके आता हूँ। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। जोया, अर्जुन का झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं। जी? हाँ, ये सीना तान के सामने वाले की आंखों में आंख डाल के झूठ बोलता है। इसके झूठ की वजह से मैंने और इसकी माँ ने बहुत मुसीबतें सही हैं। अब तुम्हारी बारी है। हम तो इसे नहीं बदल पाए, शायद तुम कुछ कर सको। एक औरत चाहे तो एक लक्ष्मण रेखा खींच सकती है। देखना तेज भागते हुए इतनी दूर ना निकल जाए कि। अर्जुन, जब मैं 15 साल की थी तो मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया, दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। नहीं, सुन लो अर्जुन, मैं मॉम के साथ रहती थी, फिर डांसर बनने का सपना लेकर मुंबई आई। काम ज्यादा नहीं मिला तो कॉल सेंटर में जॉब करने लगी, और जब भी मौका मिलता है तो लोगों के यहाँ शादियों में डांस करती हूँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ये मेरा सच है अर्जुन, और तुम्हारा? मतलब? अर्जुन, जो बिजनेस तुम करते हो, समझ गया, मेरे बाप ने जरूर तुमसे कुछ कहा है।
है ना? नहीं, 100% कहा है। कहा होगा कि मैं झूठ बोलता हूं? कहा होगा कि जोया वो मुझसे जलते हैं, मेरी कामयाबी से जलते हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं। अर्जुन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है। खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, बात करते हैं प्रिंसिपल, उसूल और ईमानदारी की। अर्जुन बट, लेकिन सच बात तो यह है कि इन सब बातों से छुपाते हुए अपनी नाकामी, अपनी गरीबी, जो उनके पास नहीं है वो बुरा है, गलत है। इसलिए मेरा हर काम, मेरी हर बात उनको बुरी लगती है। मैं पैसे कमा रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ, उनके साथ उनकी छोटी चौर में नहीं रह रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ। अर्जुन तुम्हें गलत लगता है और तुम भी उनकी बातों में आ गई? अर्जुन मैं तो बस तुम्हें तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, गलत हूँ? अर्जुन मैं तो बस भूल जाओ बस, और आइंदा मुझसे सवाल मत पूछना प्लीज। ना कोई सवाल पूछो और ना कहीं झूठ सुनो। कहावत है ऐसे ही कुछ। Listen, I'm sorry. So, खुद का बिजनेस चलाता हूं, पहले भी चलाता था, लेकिन तुम नहीं थी तो किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। अब तुम साथ हो, ओके? I believe you, अर्जुन। तुम पर यकीन है इसलिए आज तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरे इस भरोसे को कभी टूटने मत देना अर्जुन, क्योंकि जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा उस दिन हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। नहीं तोड़ूंगा बस, आज के बाद यकीन तो क्या, सिग्नल भी नहीं तोड़ूंगा।